नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन संस्थान परीक्षा प्लस में। मैं आलोक शुक्ला आज आपके लिए बहुत ही व्यापक जानकारी लेके आया हूँ एसएससी सीपीओ के लिए। इस पूरे वीडियो में आपको जो भी जरूरी है वो सारी चीज़ मैं लेके आया हूँ। फॉर्म फिलिंग से लेके आपके प्रमोशन तक, आपकी सैलरी तक, आपके ज्वाइनिंग तक, एक एक डिटेल, चाहे कट ऑफ हो, चाहे परीक्षा का पैटर्न क्या हो, प्रश्नों का लेवल क्या होता है, तैयारी कहाँ से करें, और इसमें एलिजिबिलिटी क्या है, क्या इसके मेडिकल टेस्ट है, क्या इसके पीईटी है, किस क्षेत्र में ये आसान पड़ता है, कहाँ कठिन पड़ता है, सारी चीजों का डिटेल मैं आपको इस अगले 20 मिनट में देने वाला हूँ। तो अगर आप चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो और आप इस वीडियो को लाइक करना मत भूलो। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं एसएससी के द्वारा अभी अभी 2022 के लिए सीपीओ की जो वैकेंसी है वो जारी कर दी गई है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस बार जो वैकेंसी की संख्या है वो बहुत ही ज्यादा है, 4300 पोस्ट। अगर हम पिछले 2-3 सालों में देख लें तो अभी तक का ये उनके एवरेज की 3 गुना ज्यादा वैकेंसी है, और यह कहीं ना कहीं आपके कट ऑफ को बहुत नीचे लेके आने वाली है। और एक बात और मैं शुरुआत में ही कर दे रहा हूं कि एसएससी के द्वारा कराए गए विभिन्न परीक्षाओं में से एसएससी सीपीओ जो है वन ऑफ द इजिएस्ट और सबसे अच्छी जॉब है, ड्रीम जॉब है बहुत सारे लोगों के लिए। अगर कोई अर्धसैनिक बल में जाना चाह रहा है या कोई ऐसे पुलिस में जाना चाह रहा है, जैसे दिल्ली पुलिस में एसआई का जो होता है, होते ही सारे अर्धसैनिक बल ही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अलग अलग पोस्ट, इसमें बीएसएफ भी होता है, इसमें दिल्ली पुलिस भी होता है, इसमें आईटीबीपी भी होता है, इसमें सीआरपीएफ भी होता है, सीआईएसएफ भी होता है, सारी कैटेगरीज हैं, लेकिन उनमें भी क्या बेटर है वो भी मैं आपको सारा बताने वाला हूं। तो एक बार इंट्रो में आपको समझ में आ गया होगा उनके सीआरपीएफ आईटीबीपी सब के बारे में। आप जानते हो नहीं जानते हो तो मैं आगे किसी वीडियो में बता दूंगा, इसमें मैं थोड़ा सा बता दूंगा, लेकिन उससे पहले इतना आप जो बेसिक चीजें हैं वो जान लो कि फॉर्म फिलिंग की जो डेट है वो 10 अगस्त से चालू हो गया है। मतलब कि इसी महीने में आपके 10 अगस्त से फॉर्म भरे जा रहे हैं, बहुत सारे बच्चे फॉर्म भर दिए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो फीस है वो केवल जनरल ओबीसी के लिए 100 रुपये है, बाकी एससी एसटी जो एक्स सर्विसमैन है इन सभी के लिए, फीमेल के लिए, सभी के लिए 0 है। तो फॉर्म तो आप जरूर भर दो, उस पर कोई रुपया नहीं लग रहा है। जो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लग रहा है वो भी 100 रुपये लग रहा है, उससे ज़्यादा नहीं लग रहा है। अभी हम देखें लास्ट डेट फॉर अप्लाई जो है, इसमें केवल आपको 20 दिन का मौका दिया जा रहा है, और 20 दिन में केवल आपको 30/8 जो डेट है वो 30 अगस्त है लास्ट डेट। इससे पहले आप भर लो, केवल एक दिन आपको इस पे करेक्शन का मौका दिया जाएगा, और वो करेक्शन की डेट होगी 1 9 2022 तक, है ना, सितंबर तक। और उसमें जो करेक्शन का है वो 31 आपका 8 है। एग्जाम डेट अगर देखा जाए तो पेपर वन का इसमें डिक्लेयर कर दिया गया है कि नवंबर के महीने में, अब ये कभी भी हो सकता है, नवंबर में, मिड में भी हो सकता है, लास्ट में भी हो सकता है, तो नवंबर में आपका जो है ये पेपर होगा 2022 में। हम देख लेते हैं इसकी एज लिमिट क्या है, तो 1/1/2022 से काउंट किया जा रहा है, ये बहुत अच्छी बात है, बहुत सारे बच्चों को इसमें रिलैक्सेशन मिल गया है, इस जनवरी से ले जा रहे हैं, वरना कई सारे अभी तक क्या होता आ रहा है कि जिस दिन फॉर्म निकलता है उस वाले मंथ से या जुलाई से लेते थे, बट ये पिछला जनवरी से ही ले रहे हैं। तो इनकी जो मिनिमम एज है ये 20 साल है, और जो मैक्सिमम एज है ये 25 साल है। बाकी सारे जो कैटेगरीज होते हैं, जैसे ओबीसी में 3 साल, एससी एसटी में 5 साल, और जो एक सर्विसमैन है उनको एक अलग से ही दिया जाता है, उनको जो उनके टाइम पीरियड ऑफ ड्यूरेशन होता है उनके वर्किंग का, उसे माइनस करके 3 साल दिया जाता है, तो वो उनका एज रिलैक्सेशन जैसा एसएससी के नॉर्म से उसके अकॉर्डिंग मिलेगा। यानी आप 1/1/2022 के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 2 जनवरी 1997 से लेके 1 जनवरी 2002 तक के बीच का आपका जो होना चाहिए, इसके बीच में डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए, तो आप इस फॉर्म में एलिजिबल हो जाओगे। हम एक बार पोस्ट वाइज एलिजिबिलिटी देख लें, तो यहाँ पे एक चीज देखना कि जो एलिजिबिलिटी है वो केवल दिल्ली पुलिस जो के लिए, दिल्ली एसआई के लिए है, दिल्ली के लिए, उसमें केवल डिग्री इन एनी स्ट्रीम, आपको कोई भी ग्रेजुएशन होना चाहिए, साथ में आपके एलएमबी का जो होना चाहिए वो ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, मतलब आपको कार का और बाइक का, इसका जो है क्या होना चाहिए, आपके पास एक डीएल होना चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, और वो भी कब तक होना चाहिए, किस डेट से पहले, एग्जाम जो आपका ये फॉर्म भरने के लास्ट डेट से पहले का इश्यूड होना चाहिए। बाकी अगर आप अदर पोस्ट के लिए रहे हो, जैसे सीएपीएफ के किसी भी पोस्ट के लिए ले रहे हो, जो अर्धसैनिक बल है, इनके किसी पोस्ट के लिए आपको कोई भी डीएल की जरूरत नहीं है, केवल आपका ग्रेजुएशन चाहिए। वैकेंसीज देख लो तो सबसे अच्छी वैकेंसी हमेशा की तरह सीआरपीएफ में बहुत अच्छी वैकेंसी है, सरकार ने इसका पहले भी घोषणा कर दी थी, 3006 वैकेंसी केवल मेल में है और फीमेल में 106 है, मतलब कि 3112 वैकेंसी टोटल। अगर 4300 में देखा जाए तो 3000 प्लस वैकेंसी 3100 किस में है, उस केवल और केवल आपका सीआरपीएफ में है।
उसके बाद देखा जाए अगर वैकेंसी की संख्या किसमें ज्यादा है तो लगभग दिल्ली पुलिस और बीएसएफ में दोनों में बराबर बराबर है। इसमें लगभग आपके 350 पोस्ट हैं, है ना, बीएसएफ में 350 पोस्ट हैं और दिल्ली पुलिस में भी आपका करीबन 350 पोस्ट है देखा जाए तो 350-350 पोस्ट लगभग लगभग दोनों में सेम है और ऐसे 700 पोस्ट ये हो गए। तो सारी वैकेंसीज का केवल सीआरपीएफ देखा जाए, दिल्ली पुलिस देखा जाए, बीएसएफ देखा जाए और देख ये भी देखा जाए कि दिल्ली पुलिस वन ऑफ द ड्रीम जॉब है जो भी सीपीओ की तैयारी करते हैं या बीएसएफ भी बहुत सारे बच्चे उसे पसंद करते हैं। तो दोनों में अच्छी खासी वैकेंसी, हालांकि सीआरपीएफ में थोड़ी सी रुचि कम होती है, बट मैं एक बार बता दूं कि सीआरपीएफ बहुत अच्छी जॉब है अगर आप प्रमोशन के माध्यम से देखो, इंटरनल एग्जाम भी होते हैं और प्रमोशन बहुत जबरदस्त होता है, जबकि अगर हम एसआई दिल्ली की बात करें तो उसमें 14-15 साल तक भी प्रमोशन नहीं हो पाता है। इसकी हम सारी चर्चा करेंगे आगे, लेकिन ये एक बार अगर आप देख लिए तो बाकी वैकेंसी आपको पता है, ये पीडीएफ मैं दे दूंगा, वहां से देख लीजिएगा। इसमें जो फिजिकल एलिजिबिलिटी डिटेल्स है कि क्या होना चाहिए फॉर्म भरने के लिए, तो भाई जो मेल है जनरल ओबीसी और एससी के लिए 170 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए, जो हाइट है, चेस्ट है बिना फुलाए 80 और फुलाने के बाद 85, 5 सेंटीमीटर फुलाने का लेता है। रेस जो है वो 100 मीटर की रेस 16 सेकंड में, लॉन्ग जंप जो है वो 3.65 मीटर का होना चाहिए और हाई जंप होना चाहिए 1.2 मीटर का होना चाहिए, शॉर्ट पुट होना चाहिए 4.5 मीटर का। अब एक बात समझना, इसके लिए आपको तीन चांस देते हैं, इन सभी के लिए आपको क्या देते हैं, तीन चांस देते हैं और रनिंग के लिए आपको एक ही चांस मिलता है, बाकी आपका चेस्ट ही है, ठीक। एसटी के लिए क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा रिलैक्सेशन है, हाइट 162 है और जो चेस्ट है वो 77 है, 5 फुलाने के बाद ये ध्यान दे लीजिएगा, बाकी उसमें कुछ नहीं दिया हुआ है, बाकी वही जो इनका है वही इनका भी है। फीमेल का क्या है, इसमें जो हाइट होती है वो 157 होती है, चेस्ट इनमें नहीं लिया जाता है, ठीक है ना, इनमें चेस्ट मेजर नहीं होता है। रेस इनमें 100 मीटर ही है लेकिन 18 सेकंड, इनसे 2 सेकंड, मेल से 2 सेकंड ज्यादा मिलता है और जो लॉन्ग जंप है वो भी केवल 2.7 मीटर है, इनका 3.6 मीटर है। हाई जंप 0.9 है, मेल का 1.2 है और इनमें शॉर्ट पुट नहीं लिया जाता है, इनको भी तीन चांस लिया जाता है। और सबसे अच्छी बात मैं आपको यही बता दूं, आगे शायद मेरे दिमाग से स्किप हो जाए, ये जो आपका अगर सीपीओ निकालना है, सीपीओ निकालना है तो सबसे जो डिटरमाइनिंग आपका स्टेज है, क्योंकि ये किस स्टेज में होता है, प्रीलिम्स में होगा, फिर आपका पीटी होगा, फिर आपका मेंस होगा, ध्यान देना, प्रीलिम्स होगा इसमें, उसके बाद फिर आपका पीईटी होगा, ये जो फिजिकल एंड्योरेंस एलिजिबिलिटी टेस्ट है, और उसके बाद आपका मेंस होगा जो केवल इंग्लिश का पेपर होगा। तो इन सभी में केवल और केवल मोस्ट डिटरमाइनिंग जो है वो पीईटी है। मैं इस क्यों बता रहा हूं, क्योंकि इसके समकक्ष एक और जो पद आता है एसएससी से सीजीएल, बट सीजीएल में हर बार करीबन देखा जाए 8,000 से 9,000 अगर पद होते हैं तो कम होते चले जा रहे हैं, उसमें 25 से 30 लाख फॉर्म पड़ते हैं और तीन स्टेजेस में होते हैं, प्री होता है, मेंस होता है, उसके बाद डिस्क्रिप्टिव होता है। डिस्क्रिप्टिव तक आते आते भी कहीं ना कहीं बच्चे 50,000 की संख्या में होते हैं, मेंस जो होते हैं मेंस के लिए 50,000 क्वालिफाई होते हैं और उसके बाद भी 24 से 25,000 डिस्क्रिप्टिव देते हैं, 8,000 के सापेक्ष मतलब तीन गुना होते हैं। जबकि अगर हम किसकी बात करें, सीपीओ की बात करें, तो इसमें मुश्किल से 6-7 लाख फॉर्म पड़ते हैं, जहां पे आपका सीजीएल में 25 से 30 लाख फॉर्म पड़ते हैं, यहां पे 6 से 7 लाख फॉर्म पड़ते हैं। और सबसे अच्छी बात है इस बार वैकेंसी जो है 4,300 है, तो जस्ट ऊपर देखा जाए तो 7-8 हजार बच्चे फाइनल स्टेज में आएंगे, और वो जो 7-8 हजार आएंगे, कहने का मतलब यह है कि अगर 6 से 7 लाख बच्चे यहाँ पे फॉर्म भर रहे हैं तो कम से कम इसमें केवल 3 से 4 लाख बच्चे एग्जाम देने जाते हैं, ये एग्जाम देने जाते हैं, फॉर्म फिलिंग 6 से 7 लाख होती है और एग्जाम देने 3 से 4 लाख जाते हैं, और एग्जाम देने के बाद करीबन 1.2 या 1 लाख बच्चा केवल क्या होता है, पास कर पाता, और उसके बाद इसमें 60% से ज्यादा बच्चे इस पीटी में छट जाते हैं। उसका कारण क्या है कि हर सीजीएल देने वाला बच्चा जो थोड़ा सा भी अपने आप को चेक करता है, एसएससी का पैटर्न जानना चाहता है, इसका फॉर्म भर देता है, प्रीलिम्स के बाद वो उसको देने ही नहीं जाता है या फिर उससे बाहर हो जाता है, तो 60% बच्चे यहीं पे छट जाते हैं। मतलब जो मेंस पेपर इंग्लिश का इंग्लिश जो पेपर देने जाते हैं 200 क्वेश्चन के, उसके लिए जो बच्चे बचते हैं वो कायदे से 30,000 से लेके 40,000 तक बच्चे बचते हैं और इससे भी कम होते हैं, कई बार ये ध्यान देना, और उसके बाद उसमें जो क्वालिफाइंग होते हैं फिर आपका अन्य होता है। तो ये बात समझना, लास्ट तक आते आते इसमें जो होता है उसमें मुश्किल से अगर 4,000 तो 7-8 हजार बच्चे बसते हैं। तो अगर आप अगर पीईटी मतलब ये वाला पार्ट निकाल लिए, ये रेस आप निकाल लिए इतना, तो आप समझ लेना कि आप सिलेक्शन के बहुत ज्यादा नजदीक हो। बाकी मैं आपको एग्जामिनेशन पैटर्न आपको बता दे रहा हूं, उससे पहले मैं ये बता दूं कि इनकी जो सैलरी होती, क्योंकि सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करने वाली चीज आपको यही है, इनका जो बेसिक पे है ये 35,400 से लेके 1,12,400, चाहे हम
सब इंस्पेक्टर जीडी में कैफ की बात करें, और ये किस में, ये ग्रुप बी में आते हैं, नॉन गेस्टेड ग्रुप बी में आते हैं, ये ध्यान देना किसकी बात कर रहे हैं, कैप की, एसआई की। बाकी सब इंस्पेक्टर जो एग्जीक्यूटिव है दिल्ली पुलिस वाले, ये ग्रुप सी में आते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा जो सीएपीएफ में जाते हैं उनका जो ग्रेड होता है वो ग्रुप बी होते हैं, भले वो गेस्टेड नहीं है बट ग्रुप बी में उनका टैग लगता है और ये ग्रुप सी में लगते हैं। तो बहुत सारे बच्चों का इसलिए सपना होता है कि वो किस सीएपीएफ में जाए, बीएसएफ, एसएसबी, इन सब में कहीं ना कहीं वो अपनी एक जगह बनाए ताकि उनके साथ, और यही कारण है इनमें प्रमोशन ज़्यादा अच्छा होता है, जबकि इनमें ग्रेड सी वाले में क्या होता है कि प्रमोशन थोड़ा सा धीमे होता है। खैर आगे मैं बता दूं, अगर इनकी टोटल ग्रॉस सैलरी देखा जाए, ग्रॉस सैलरी इनका इन हैंड आप जब ज्वाइन करोगे तो आपका 42,000 से लेके 45,000 दोनों में ही लगभग है ना, 42 से 45,000 दोनों ही पोस्ट के लिए लगभग इन हैंड सैलरी मिलेगी। आपके डीए वगैरह सब, इस बार तो 18% डीए हो गया है तो और भी बढ़ सकती है, और इसके बाद डिडक्शन वगैरह के बाद 42 से 45,000 के बीच में आपको इन हैंड सैलरी आएगी। तो सैलरी बहुत अट्रैक्टिंग है, करियर बहुत सेफ है। अगर ये देखा जाए, ये आपको शायद क्लियर ना दिख रहा हो तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे ब्राइटनेस कम कर ले रहा हूँ। इस पोर्शन को देखा जाए कि आपका क्या पूछता है, तो जैसे एसएससी 25-25, बाकी सीएचएसएल हो गया, सीजीएल हो गया, उसमें 25-25 पूछता है। सीपीओ एग्जाम अभी अपने पुराने पैटर्न पे होता है और इसमें रीजनिंग हो, चाहे मैथ हो, चाहे इंग्लिश हो या फिर जीएस हो, सभी के क्या होते हैं, 50 क्वेश्चन होते हैं और यहाँ पे मार्क्स भी सबके 50 होते हैं, मतलब एक क्वेश्चन एक मार्क्स का होता है और जो निगेटिव होता है वो 0.25 होता है, ये दिमाग में रखते हुए चलना। 2 घंटे का पेपर होता है क्योंकि 2 घंटे में आपको 200 क्वेश्चन करने होते हैं, इसलिए सीजीएल के प्रीलिम्स लेवल में, इवन सीएचएसएल के प्रीलिम्स से इसका जो प्रीलिम्स होता है वो आसान होता है। फिर भी इसकी कट ऑफ जो होती है 200 नंबर में 105, 100 और कई बार तो 100 के नीचे जाती है, जबकि अगर आप सीजीएल वगैरह में देखोगे तो कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाती है। मैं उस बच्चे की बता रहा हूँ जो लीस्ट सिलेक्टेड बच्चा है, मतलब अगर आप 200 में से 130, 140 लेके आ रहे हो, उसके बाद पीटी क्वालिफाई कर रहे हो, तो आप निश्चित तौर पर आप सिलेक्टेड हो, ये बात समझते हुए चलना। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ बहुत आसान है, और वो 130-40 अगर आपकी मैथ्स अच्छी है तो आप मैथ्स, और मैथ्स अच्छी होगी तो रीजनिंग बहुत अच्छी होगी, जाहिर सी बात है इन दोनों के बदल ला सकते हो, या फिर आपके अगर इंग्लिश बैकग्राउंड अच्छा है तो इंग्लिश होगा तो जीएस भी थोड़ा बहुत स्ट्रांग करके कर सकते हो। 2 टाइप के स्टूडेंट इसमें होते हैं, एक इंग्लिश स्ट्रांग वाले और एक मैथ स्ट्रांग वाले। लेकिन एक बात समझना कि एसएससी सीपीओ आसान क्यों है, क्योंकि यहां पे सबसे बड़ी बात है कि जो इसका स्टेज 2 है, मैं यहीं पे आपको समझा दे रहा हूं, स्टेज 2 जो है बच्चों यहां पे इंग्लिश है केवल और 200 मार्क्स का है। आप समझना, दो फैक्टर आपके लिए यहां पे काम करते हैं, दो फैक्टर क्या काम करते हैं, एक तो आपका पीईटी है ना, जो आपका फिजिकल टेस्ट है, और दूसरा आपका यहां पे है जो इंग्लिश यानी पेपर 2। मैं मेंस की बात करूं या पेपर 2 की बात करूं या इंग्लिश की बात करूं, इसका मतलब सबका सेम ही आप लोग समझना। अब होता क्या है कि जैसे जो सीजीएल का बच्चा है या फिर जो इंग्लिश मीडियम का बच्चा है जिसकी अंग्रेजी स्ट्रांग है, क्योंकि 200 है, यहाँ पे जो हिंदी भाषी क्षेत्र के बच्चे हैं जिनकी हिंदी कमजोर है वो थोड़ा सा डर जाते हैं। डरने की जरूरत नहीं है, मैं एकदम सटीक बात जो बता रहा हूँ समझने का प्रयास करना, जो इंग्लिश मीडियम के छात्र हैं या जिनकी अंग्रेजी अच्छी है उनका पीईटी बहुत ही कमजोर होता है, ये एक ऑब्जर्वेशन है, ये एक रिकॉर्ड रहा है, और यही कारण है कि 60% बच्चे पीटी छोड़ देते हैं सीपीओ के पेपर में। तो जिनकी इंग्लिश अच्छी होगी वो पीटी उनका अच्छा नहीं होगा, वहीं पे डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। इसके मतलब ये हो गया कि जो क्वालीफाई कर रहे हैं वो सेलिंग इन द सेम बोट सिचुएशन में हैं, सभी की स्थिति एक ही जैसी है, सभी कमजोर अंग्रेजी वाले हैं। 4300 पद है, इसमें 5-600 बहुत ज्यादा अंग्रेज तुरमखा होंगे भी, मैं आपको बता रहा हूं है ना, को आपकी अंग्रेजी बहुत अच्छी है भी, तो बाकी जो 3500-3700 पद है वो आपके लिए केवल और केवल पूरा खुला आसमान है, थोड़ी सी अच्छे से पढ़ लोगे। और परीक्षा प्लस में बहुत बेहतर टीचर मैं लेके आ रहा हूं, जो आपको पूरा कम से कम 15 साल का एक्सपीरियंस केवल एसएससी के क्षेत्र में, सारे बड़े कोचिंगों में पढ़ा के आए हैं, वो इंग्लिश में आपको देने वाला हूं। तो इंग्लिश भी आपकी मैं स्ट्रांग करवा दूंगा, ये भी हो जाएगा, साथ में आप अभी से ही इस पार्ट को लेते हुए चलो, ताकि अगर इन दोनों का कॉम्बिनेशन अच्छा बन गया तो आपकी जॉब को कोई रोक नहीं सकता, ये बात समझना। बाकी यही इंग्लिश आपका क्योंकि पेपर 1 में भी है, तो अगर 200 वो तैयार हो गया तो ये 50 आप अपने आप तैयार कर लोगे है ना, ये 50 आपके मुफ्त मिल जाएंगे। तो इंग्लिश में थोड़ा सा वेट दो, थोड़ा सा आप अच्छे से पढ़ो, तो 200 वहां पे 50 पे मतलब 400 में से 250 के अंग्रेजी में हो जाएगा, और थोड़ी से भी अगर रीजनिंग और मैथ्स अच्छी है, मैं कह रहा हूं नहीं मैथ्स अच्छी है, रीजनिंग एसएससी का फिक्स्ड पैटर्न है, वो मैं आपको बताऊंगा, मैथ्स और रीजनिंग में आपको नंबर उठाने की गारंटी मैं ले रहा हूं, एक फिक्स्ड पैटर्न है, सदियों से एक ही टाइप के क्वेश्चन पूछता रहा है, आप बस प्रीवियस ईयर बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करो, कॉन्सेप्ट अपना अच्छा कर लो। हाँ मैथ्स में मैं एक बात बोलूंगा कि अरिथमेटिक क्वेश्चन में वो दिमाग लगा ले जाता है, वो आपको परेशान करता है, बट रीजनिंग एज अ इजी केक देता है, वो बहुत आसान है यहां से नंबर उठाना, और क्योंकि 50 क्वेश्चन है तो लेवल बहुत
टफ नहीं करेगा, क्योंकि अगर लेवल टफ कर दिया बच्चा तो यहाँ पे स्टूडेंट जो है वो रीजनिंग और मैथ्स में ही बिजी रह जाएगा, वो जीएस और इंग्लिश को छू नहीं पाएगा और फेल हो जाएगा। तो उन्हें भी अपनी मर्यादा पता है, उन्हें भी पता है पेपर का लेवल कैसे रखना है। तो जो पेपर का लेवल होता है वो मैं आपको बता दूं इजी टू मॉडरेट लेवल होता है। आज तक कभी भी सीपीओ का पेपर टफ नहीं हुआ। आप एसएससी के पेपर टफ सुने होंगे, एसएससी मेंस का पेपर टफ सुने होंगे, इवन सीएचएसएल का पेपर टफ सुने होंगे, इवन कई बार एमटीएस में उठपटांग भर देता है, लेकिन क्योंकि 50-50 का वही पुराना पैटर्न है इसलिए पेपर बहुत बैलेंस बन जाता है। 50 क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन बहुत टफ भी हो जाएगा तो 30 क्वेश्चन बहुत इजी होगा, ये ध्यान रखना। और वही 30-30-30 ऑन एवरेज 120 क्वेश्चन आपको 120 मार्क्स दिला देता है और आपको तुरंत सिलेक्शन के दरवाजे पे लाके पटक देता है। तो ये आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। हालांकि मैं स्ट्रेटजी पे एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, बहुत जबरदस्त तरीके से आपके पढ़ने का तरीका बहुत जबरदस्त होना चाहिए। ये मैं बता दूं कि अगर किसी के पास एनसीसी है तो इतना करने के बाद भी 10 नंबर आपको फ्री मिल जाएगा। अगर आपके पास क्या है सी सर्टिफिकेट है, बी वालों को 6 नंबर और ए वालों को 4 नंबर मिल जाएगा। इसके बाद अगर हम देख लें तो ये मेल कैंडिडेट के लिए मैंने आपको बता ही दिया कि क्या रेस वगैरह है, यहाँ भी देख लियो। हाँ, मेडिकल थोड़ा जरूरी है आई साइड में, यहाँ पे कई सारे लोग आपको मिसगाइड कर देते हैं या समझ नहीं पाते हैं। इसमें क्या होता है सीपीओ में दोनों आंखों का अलग अलग लेता है, और दोनों आंखों का अलग अलग लेने का मतलब ये हो गया कि जो राइट हैंडेड पर्सन होते हैं उनकी बेटर आई जो होती है वो राइट आई होती है, और जो लेफ्ट हैंडेड पर्सन होते हैं उनकी जो बेटर आई होती है वो लेफ्ट आई होती है। तो राइट हैंडेड पर्सन बेटर आई मतलब आप अपने हिसाब से देख लेना कि राइट हैंडेड हो या लेफ्ट हैंडेड हो, बेटर आई मतलब आपकी जिस हैंडेड हो उसकी बात कर रहा है। ये आपका क्या होना चाहिए N6 होना चाहिए, और जो आपकी वर्स आई है मतलब कि जो आपकी दूसरी है नॉन वाली वो आपकी क्या होना चाहिए N9 होना चाहिए। ऐसे ही आप जिसे बोल सकते हो 6/9 होना चाहिए, और डिस्टेंट विजन क्या होना चाहिए 6/6 होना चाहिए। ये नियर विजन की बात कर रहे हैं, डिस्टेंट विजन 6/6 होना चाहिए और वर्स आई का क्या होना चाहिए 6/9 होना चाहिए। तो एक आंक आपकी बहुत अच्छे होना चाहिए, 6/6 होनी चाहिए, और एक आंक 6/9 भी चल जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। और ये सारी चीज विदाउट एनी एड, मतलब कोई चश्मा ना लगाओ, कहीं ऑपरेशन ना कराए हो, या कोई आप ऐसा आंखों में ना कराए हो, कोई भी उसमें आपका आर्टिफिशियल वो नहीं चलेगा, नेचुरल की बात कर रहे हैं। दूसरी बात आपका कि नॉक नी नहीं होना चाहिए, फ्लैट फुट नहीं होना चाहिए, वेरिकोज वीन जैसे नसें क्या होती हैं हाथ या पैर की बहुत ज्यादा ऐंठ जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं, लेंथ उसकी लंबी लंबी ऐसे हो जाती है, ये नहीं होना चाहिए। एक सिंपल सी नस आ रही है और एक आपकी ऐसी उसी में ऐठी बैठी, तो ये वाली वेरिकोज वीन नहीं होनी चाहिए। स्क्विंट आई मतलब कि जो बोलते हैं ना कि आंख जो कंजेड़ी टाइप में होती है कि एक आंख इधर देख रही है एक आंख इधर देख रही है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ये नहीं लेता है। और दूसरी बात इसमें कलर ब्लाइंडनेस तो एकदम नहीं चलता है, आपका विजन जो कलर विजन है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। तो ये दो पॉइंट आपको ध्यान रखना, अगर ये होगा तभी फॉर्म भरना, वरना बच्चों फायदा कोई नहीं होगा, उससे अच्छा आप अलग समय लगा लो। पोस्ट प्रेफरेंस बता दूं, थोड़ी सी जानकारी दो मिनट में मैं आपको बताता हूं। पोस्ट प्रेफरेंस में 6 प्रकार की पोस्ट होती है। ए जो है सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस होता है, बी होता है सब इंस्पेक्टर इन बीएसएफ, दूसरे नंबर की होती है, और लोग भरते भी हैं, पहले पे ये भरते हैं, दूसरे पे ये भरते हैं। उसके बाद सब इंस्पेक्टर इन सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स जिसे CISF बोलते हैं, उसके बाद सब इंस्पेक्टर इन सेंट्रल रिजर्व पुलिस CRPF बोलते हैं जो चौथे नंबर का है, और इसी में सबसे ज्यादा वैकेंसी है, 3100 प्लस वैकेंसी इसी में है, ध्यान देना। इसमें 350 वैकेंसी है, इसमें 350 वैकेंसी है, बाकी सब जनरल है। सब इंस्पेक्टर ये ITBP है ठीक इसमें, और सब इंस्पेक्टर SSB जो है। तो इसमें जो बच्चों का प्रेफरेंस होता है मैं बता दूं जो सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं, और आप भी समझना, एक छोटे से उसमें बता रहा हूँ कि अगर आपको कोई मतलब ऐसी जॉब चाहिए जो बहुत आरामदायक हो, आप अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सके, आप एकदम आराम से रहो, जो जॉब करो उसके बाद आप चले आओ, एक साथ में वर्दी भी हो, तो उसके लिए आपका सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस बहुत अच्छी जॉब है। आप दिल्ली में ही जिंदगी भर वहाँ पर क्या रहोगे, पोस्टेड रहोगे, अच्छा है, सैलरी पैकेज भी अच्छा है, बस एक केवल कमी हो गई, प्रमोशन बहुत गंदा है, 14-15 साल लग जाते हैं। उसके बाद आपका BSF है तो ये भी अच्छा है ना, BSF भी अच्छा है, इसमें प्रमोशन के चांसेस थोड़े से इससे अच्छे हैं लेकिन उतने अच्छे नहीं है। जबकि आपके जो ये नीचे के चार पोस्ट हैं, नीचे के चार पोस्ट हैं CISF हो गया, CRPF हो गया, ITBP हो गया, SSB हो गया, इनमें प्रमोशन बहुत अच्छा है। सबसे अच्छा जो प्रमोशन है वो CRPF में है। हालांकि अगर आप CISF में जॉब करते हो तो CISF का जॉब वाला भी बहुत आरामदायक जॉब करता है। देखो दिल्ली पुलिस और इसमें CISF में अंतर ये होता है कि यहाँ पे आपकी सोशल लाइफ भी होती है, CISF में आपकी सोशल लाइफ नहीं होता है। आपको इंडस्ट्रीज जैसे कहीं महारत्ना कंपनी हो गई या भेल वगैरह हो गया या फिर आपका NTPC वगैरह हो गया, तो ऐसे इंडस्ट्रीज जो एरिया होते हैं वहाँ पे आपकी पोस्टिंग होती है। हालांकि ये बहुत अच्छा है, आपको सुबह से लेकर शाम तक केवल जॉब होता है, शाम को इंडस्ट्रीज बंद होती है या नाइट शिफ्ट लगता है, डे शिफ्ट लगता है, उसके बाद आप मैक्सिमम इस टाइम जो होता है फैमिली के साथ स्पेंड कर सकते हो, और प्रमोशन भी उससे काफ़ी अच्छा है कि दिल्ली पुलिस और इसकी बात किया जाए तो
इसे देखा जाए बहुत सारे लोग नंबर वन प्रायोरिटी इसे देते हैं, कुछ लोग जो दिल्ली में रहना चाहते हैं इसे देते हैं, और इन दोनों आपस में ही बहुत अच्छी कंपेरेबल है, आप दोनों में कोई भी कर सकते हो। बाकी सीआरपीएफ कहीं ना कहीं इसका दो चीज, एक तो कट ऑफ बहुत कम जाता है, दूसरी बात वैकेंसी इस बार बहुत ज्यादा है तो इस बार कट ऑफ और कम जाएगी। इतना जो मेरा एक्सपेक्टेशन है कि अगर पेपर नॉर्मल आ गया तो 400 में से 220 उस नंबर भी आपका अगर आ गया तो इस बार आप सीआरपीएफ में सेलेक्टेड रहोगे, ये बात समझना। तो इसे भी प्रायोरिटी में रख सकते हो, इसका प्रमोशन भी अच्छा है, हालांकि जॉब इसकी थोड़ी सी हेक्टिक है, अगर ये चारों हेक्टिक है, कोई ये इंडो तिब्बतन मैक्सिमम चाइना बॉर्डर पे आपकी पोस्टिंग होगी, एसएसबी जो है ये आपका मैक्सिमम नेपाल और भूटान वाले पे होगा, या फिर ये आपका जो नक्सलाइज्ड होते हैं उन एरिया में भी हो जाता है। बाकी ये सीआरपीएफ जो है ये भी आपका जेन में घूमता रहता है, और ये जो आपका सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स ये तो मैंने आपको बता दिया, बीएसएफ वगैरह होते हैं ये नेपाल हो गया भूटान हो गया इन सबके बॉर्डर में या इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पे रहते हैं। तो ये आपको थोड़ा सा मैं प्रेफरेंस के बारे में बता दिया, 2 मिनट वीडियो लंबी हो सकती है लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई भी दूसरी वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं होगी। कट ऑफ एक बार देख लो तो कट ऑफ भाई बहुत कम जाती है, अगर 400 में देखा जाए सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस जो नंबर एक चॉइस लोग बोलते हैं 323 गई थी मेल की, 300 तो फीमेल की गई थी, जबकि इसमें पद बहुत कम थे, मुश्किल से 2600 पद थे और ये 19-20 की मैं बता रहा हूं। ऐसे ही अगर देखो ये सीआरपीएफ की देखो जो मैं आपको बता रहा हूं ये केवल 261 गया था, मतलब कि 400 में से अगर 261 नंबर ही आप ले आते हो तो एटलीस्ट वन जॉब है ना, एटलीस्ट एक जॉब आपको यहां पे मिल जाएगी, ये कोई बहुत ज्यादा नहीं है। और इसी के बदौलत मैं बता रहा हूं कि इस बार अगर 220 भी आ गए तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, और 220 प्री और मेंस मिला के होता है, और इसमें केवल अगर आप रीजनिंग अच्छी स्ट्रांग कर लो, अंग्रेजी स्ट्रांग कर लो, केवल दो विषय, बाकी कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं होता, कुछ मत पढ़ो, केवल रीजनिंग और इंग्लिश ये दो विषय आप अच्छे से स्ट्रांग कर लोगे तो एटलीस्ट सीआरपीएफ में जॉब आपकी मिल जाएगी, इस बात की भी गारंटी है। आगे देख ले, ऐसे ही जो 2020-21 का कट ऑफ था इसमें सब इंस्पेक्टर 334 और फीमेल की 311 जो हाईएस्ट था, और जो सीआरपीएफ का है वो मैं लास्ट आपको दिखा दूं, ये 284 गई थी अभी रिसेंट की, और गर्ल्स की 300 क्योंकि इनकी पद बहुत कम थे इस कारण से गर्ल्स का ज्यादा चला गया था। तो यहाँ पे गर्ल्स और बॉयज का अलग अलग कट ऑफ निकलता है, आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि अगर आप केवल जॉब लेना है तो मुश्किल से 60% नंबर ले आओ, 55% नंबर ले आओ, आपके हाथ में जॉब रखी रहेगी। आगे देख ले सैलरी, तो सैलरी मैंने आपको बता ही दिया, मैं सीधा लास्ट बताता हूँ, ये पीडीएफ आप देख लेना 46 से 47 हज़ार, और अब 18% डीए लगने के बाद हो सकता है 50,000 भी आपको इन हैंड सैलरी मिल जाए। तो ये एक पूरी डिटेल थी। अब सबसे बड़ी बात है जो अंतिम में आता है कि तैयारी कहाँ से करें, तो तैयारी करने के लिए बच्चों मैं आपको बता दूं कि टीम परीक्षा प्लस है ना, परीक्षा प्लस इस बार आपके लिए बहुत जबरदस्त तरीके से बहुत ही न्यूनतम फीस में एसएससी सीपीओ का बैच लॉन्च कर रही है, और इस बैच में आपके दो टाइप के होंगे मैं आपको बता दूं, एक आपका होगा जिसमें केवल रीजनिंग होगा या प्रीलिम्स पूरा बोल लो है ना, एक आपका पेपर वन होगा, पेपर वन की जो फीस होगी वो भी आपको केवल 499 रुपए में आपको अवेलेबल करवा दी जाएगी, हालांकि इसकी फीस महंगी रहेगी बट डिस्काउंट भी शुरू में आपको मैं दिलवा दूंगा, और ये जो पेपर टू है ना, ये पेपर टू का भी 499 रखा जाएगा। ऐसा इसलिए कर रहे हैं बच्चों कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो केवल इंग्लिश चाह रहे हैं, या ऐसे बच्चे हैं जो ऑलरेडी किसी कोर्स में जुड़े हैं, हमारे बच्चे जैसे सुप्रीम कोर्ट जेसीए में जुड़े हैं, जैसे यूपीपीसीएल एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट में जुड़े हैं, तो उन बच्चों को वो मैथ वगैरह रीजनिंग वगैरह जीएस वगैरह वहां भी पढ़ रहे हैं, तो दोबारा से अलग ना करना पड़े, केवल और केवल क्या लेना पड़े, ये पेपर टू के लिए केवल आप इंग्लिश पढ़ लो, क्योंकि 200 होता है तो वो आपका हर जगह कवर हो जाएगा, आपको ये लेने की जरूरत नहीं है। और ऐसा बच्चा जो पेपर वन पेपर टू दोनों साथ में तैयारी करना चाहता है वो दोनों ही ले सकता है, या केवल पेपर वन लेना चाहता है तो ये आपका कर यहां पे ले सकता है। तो ये बहुत ही जो हमसे हो सकता था बहुत ही मिनिमम फीस में, और सारे टीचर मैथ्स में खुद आपको पढ़ाऊंगा, जो आपके इंग्लिश पढ़ाएंगे राहुल सर है बहुत जबरदस्त पढ़ाते हैं, रीजनिंग आपके आशीष से पढ़ाएंगे, और जीएस में तो ये जीएस को तो कोर फैकल्टी सारे इतने जबरदस्त तरीके से आपको कवर करवा देंगे कि एसएससी जो पेपर बनाता है वो भी एक बार सोचने दिया जाएगा कि बच्चे पढ़ के कहां से आए हैं कि सारे सारे क्वेश्चन करके आ रहे हैं। तो ये लेके आए हम अभी तो नहीं, बट एक दो दिन में इस कोर्स को लॉन्च करेंगे। आप परीक्षा प्लस ऐप गूगल प्ले स्टोर से जरूर इंस्टॉल कर लो, और परीक्षा प्लस जो ऐप है गूगल प्ले स्टोर से जरूर इंस्टॉल कर लो। इसके अतिरिक्त कोई आपको समस्या होती है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमें क्या कर सकते हो, अपने जो भी क्वेश्चन है पूछ सकते हो, पूरा समय निकाल के आपको उसका उत्तर दिया जाएगा, या आप इस नंबर पे 9129769780 पे या 9450006007 पे कॉल कर सकते हैं। तो इन दोनों में से आप कुछ भी कर लीजिए, परीक्षा प्लस ऐप से डाउनलोड कर लीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा क्योंकि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन सीपीयू से रिलेटेड एसएससी रिलेटेड यहाँ पे आने वाली है। फिर मिलेंगे, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।